जी हाँ, डीवी पुष्पांजलि में फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों ने पर्यावरण बचाओ मुहिम के तहत अभिव्यक्ति कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कि पर्यावरण का बचाव मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अभिव्यक्ति एक मुहिम है नन्हे बच्चों के द्वारा, जो हम सबसे ये अपील करती है कि हम हरियाली और पर्यावरण की रक्षा करें। यहाँ मौजूद सैकड़ों पेरेंट्स और शिक्षकों ने भी बच्चों के प्रयास को सराहा और साथ ही पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया। आज 100% पार्टिसिपेशन है, नियरली 230 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, आज बच्चों का टॉपिक है दिल्ली सफारी, जिसमें बच्चे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जंगल में डिफॉरेस्टेशन, मतलब सारे जंगल कट गए हैं, तो उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं और एनिमल लाइफ कितनी हैम्पर होती है उससे, और एनिमल्स कहाँ जाएंगे, उसको लेकर के उनके बड़ा कि उन्होंने ये बोलना चाहा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं। बच्चों की इन मौज मस्ती और रंग बिरंगे वेशभूषाओं के पीछे एक गंभीर विषय को सामने रखने का प्रयास था, जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। डीएवी पुष्पांजलि की विशेषता रही है कि वो समय समय पर सामाजिक विषयों को लेकर बच्चों के साथ कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इस तरह के आयोजन से बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी कुछ सीखते हैं और समझते भी हैं। स्कूल प्रिंसिपल भी मानती हैं कि बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें स्वच्छ पर्यावरण भी दें। हम इन छोटे बच्चों में ये आइडियाज नहीं डालेंगे तो कल का पर्यावरण कौन बचाएगा? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन जिंदगी दुनिया तो इनके लिए हमने छोड़ के जानी है, तो हमें अभी से इनको सिखाना है कि हमने पर्यावरण कैसे बचाना है। तो ये इतने छोटे बच्चों में भी अब ये मालूम है इनको कि हमें पेड़ नहीं काटना है, पेड़ हमारे को जिंदगी देती है। तो ये आइडिया हम अगर बचपन से ही बच्चों में डालना शुरू करें तो शायद कल हमें एक अच्छा साफ सुथरी दुनिया और अच्छा पर्यावरण हमें मिल जाए। दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता स्तर अगर चिंता का विषय है तो लोगों का जागरूक न होना भी इसका प्रमुख कारण है। ऐसे में छोटे बच्चों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम और उनसे मिलने वाले संदेश सब तक पहुंचना चाहिए। डीएवी पुष्पांजलि के आयोजन के इस उद्देश्य को आप सब भी समझें और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए लोकेश कुमार के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।